Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the dimensional analysis. And this video is very helpful for plus 2 levels, 10 plus 2, and as well as in the entrance exams like BSc or Polytechnics or anything, TGT, PGT. So let's talk about the dimensional analysis. So in this video I will talk about the dimensions of a physical quantity. So physical quantity के dimensions के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद dimensional formulae और उसके साथ साथ उनका equation, then बात करेंगे dimensional formula और formula of some quantities. तो बहुत सारे quantities के लिए हम dimension formula check करेंगे. Four types of quantities, तो चार तरीके की quantities होती हैं. जैसे आपका पहला होता है डायमेंशनल डायमेंशनल क्वांटिटी या डायमेंशनल क्वांटिटी, और एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल. डायमेंशनलेस, इसको हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं. क्वांटिटी क्या? कॉन्स्टेंट. डायमेंशनल डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स. और चौथा है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. वेरिएबल्स, तो बात करेंगे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स के बारे में, डायमेंशनल वेरिएबल्स के बारे में, एंड देन डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. तो ऐसे कॉन्स्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं होता, और ऐसे वेरिएबल जो डायमेंशन लेस है, जिनका डायमेंशन नहीं होता लेकिन वो वेरिएबल है. देन हम देखेंगे कि यूज क्या है डायमेंशनल इक्वेशंस का. तो ये तीनों यूज हैं इसके. हम कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर, एंड देन चेक कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले की करेक्शन को. तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूलाज, एंड देन वी टॉक अबाउट सम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. ये डायमेंशन एनालिसिस कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे. हिंदी में इसको बोलें तो इसको बोलते हैं विमीय विश्लेषण. विमीय विश्लेषण विमीय विश्लेषण. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी मूल रूप से, जिन्हें हम मूल राशि भी कहते हैं, वो राशियां हैं हमारी लंबाई, लंबाई द्रव्यमान, या इसको हम लिख सकते हैं लेंथ. समय, ताप और प्रत्यावर्ती धारा. ज्योति तीव्रता और इसके साथ पदार्थ की मात्रा. पदार्थ की मात्रा, या इसको हम बोलते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अल्टरनेटिंग करंट, एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सब्सटेंस सो दिस इज
यूं कह लें क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस तो पदार्थ की मात्रा। तो ये जो सातों है इन्हें हम मूल राशि कहते हैं, मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये सातों ऐसी राशियां हैं जिनको हम किसी और से प्राप्त नहीं करते, बल्कि ये फंडामेंटल आती हैं और इनसे हम और सारे बहुत सारे हम निकाल लेते हैं, बहुत सारी राशियों को निकालते हैं जिन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कुछ राशियां होती हैं जो मूल राशि होती है, मूल राशि ये सातों हैं जो बेसिक्स हैं और इन्हीं से हम अदर सारी राशियों को व्युत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम उसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी जिसको हम डिराइव करके लाते हैं और ये सारा फंडामेंटल है। अब इसके यूनिट्स के बारे में हम बात कर लें तो लंबाई का यूनिट होता है मीटर, ये हो जाएगा किलोग्राम, समय के लिए टाइम तो एक तरह से सेकंड, और टेम्परेचर को हम केल्विन में भी दिखा सकते हैं, और ये है अल्टरनेटिंग करंट तो एम्पियर, और ज्योति तीव्रता को हम लिख सकते हैं कैंडेला से लिखते हैं इसको, सो सीडी, और पदार्थ की मात्रा को हम लिखते हैं मोल में, ठीक है। तो ये सारे इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम फिर डायमेंशनली लिख लेते हैं, तो डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, उसी तरीके से टाइम जो बेसिक तीन है, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और उसी तरह आई को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि किस जैसे डायमेंशन फार्मूला, दूसरी चीज़ है यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये देखते हैं कि क्या है, तो डायमेंशन फार्मूला होता है जैसे कि हम वेलोसिटी के लिए अगर लिख लें तो वेलोसिटी आता है हमारा, या हम और बेसिक से चलते हैं और बेसिक में हमारा टर्म आ जाएगा जैसे लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन होता है एल, उसी तरीके से मास का डायमेंशन एम, और टाइम का डायमेंशन टी। तो इससे हम अगर निकालना चाहें एरिया को तो एरिया हो जाएगा, एरिया ए को अगर लिखें हम ए से रिप्रेजेंट करें तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ को भी हम मीटर में दिखाते हैं, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, लेंथ भी मीटर और ब्रेथ भी मीटर, सो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टू। तो एरिया का डायमेंशन L2, तो ये है एक तरीके से डायमेंशन फार्मूला, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो दिस इक्वल टू दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला, और इस पूरे इक्वेशन को जैसे अगर हम अलग कहें वॉल्यूम के लिए तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, तो L, B और H, यानी तीनों मिलके हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन हो जाएगा एल क्यू, क्लियर। इसी तरीके से हम और राशि को निकाल सकते हैं, जैसे आपको वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी कहें या फिर ये स्पीड कहें, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होगा मीटर में और ये हो गया सेकंड। सो दिस इज एल और ये टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन। उसी तरीके से हम एसेलरेशन निकाल सकते हैं। एसेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक तरीके से वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने निकाला है एल टी माइनस वन और अपॉन में टी। सो ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो एसेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन निकाल सकते हैं। कुछ और भी हम देख लेते हैं, जैसे अगर एसेलरेशन हो गया तो फिर हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एसेलरेशन, क्लियर। तो मास का डायमेंशन होता है एम और एसेलरेशन का डायमेंशन अभी आया एल टी माइनस टू। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। सो ये है डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसके बाद हम वर्क निकाल सकते हैं। वर्क होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या सिंपली कहें तो डी। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और चूँकि डिस्टेंस है तो ये भी मीटर में होगा, इसका भी यही हो जाएगा। सो ये हो जाएगा सिंपली एम एल टू और टी माइनस टू, क्लियर। और जो डायमेंशन वर्क का होता है वही डायमेंशन इनर्जी का भी होता है। वर्क और इनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि वर्क का यूनिट भी जूल होता है और इनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। इसके बाद हम निकाल सकते हैं पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क से हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। तो कितने टाइम में कितना वर्क है इस हिसाब से हम पावर को निकालते हैं। तो वर्क का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू और ये हो गया टी। ये हो जाएगा एम एल टू टी पर पावर माइनस थ्री। तो ये सारे जो पावर लग रहे हैं ये इसके एक्सपोनेंट को बताते हैं या इसके एक तरीके से डायमेंशन को बताते हैं कि लेंथ यहाँ पर डबल है और टाइम हमारा माइनस थ्री है और मास के ऊपर वन है, यानी वो सिंगल डायमेंशन रखता है। और जो ये हम लगातार ब्रैकेट में यूज कर रहे हैं ये डायमेंशन को डिनोट करने का तरीका है। डायमेंशन क्वांटिटी को हम डायमेंशनल क्वांटिटी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम पावर निकाल सकते हैं। फिर प्लैंक कॉन्स्टेंट, प्लैंक या प्लैंक से पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि ये टाइम पीरियड का रिवर्स होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल वन अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक तरीके का टाइम है, ये हो जाएगा टी पावर माइनस वन। सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी पावर टी माइनस वन। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट तो एच बराबर होता है ई अपॉन न्यू। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन अभी हमने निकाला था कि यही होगा। सो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू अपॉन न्यू यानी टी माइनस वन। ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, या ये माइनस टू है तो कम हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, क्लियर। सो प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट एम एल टू टी माइनस टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, क्लियर। तो इसी तरीके से हम कुछ और क्वांटिटीज़ को भी निकाल लेते हैं।
ज़रूरी ये है कि हमें उससे रिलेटेड रिलेशन पता हो, फॉर्मूले के बारे में पता हो, फिर हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम निकालना चाहें पोटेंशियल V, तो V होता है W अपॉन क्यू, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज। तो W मीन्स वही है जो हमने अभी निकाला था, तो इसका डायमेंशन होता है ML2T-2, और Q का डायमेंशन होता है, Q इक्वल होता है IT, IT मीन्स I का A हो जाएगा और टाइम का T, तो ये हो जाएगा A और T। तो फाइनली हमें मिल गया V इक्वल टू ML2T-3, और ये हो जाएगा A-1। तो ये है वोल्टेज का, ठीक है। उसी तरीके से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R=V/I, ओम्स लॉ। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम डायमेंशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ। तो V ये है और अपॉन में A, तो ये हो जाएगा ML2T-3A-1/A, ये हो जाएगा ML2T-3 और A-2। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस C, तो ये होता है Q/V, कैपेसिटेंस C इक्वल Q/V। क्यू का मान हो गया 80, और वी का डायमेंशन अभी हमने निकाला है, ये सही हो जाएगा ML2T-3 और A-1, ये हो जाएगा M-1, L-2 और T-4 और A-2। ये है कैपेसिटेंस का। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं, बस उससे रिलेटेड हमें फार्मूला पता हो। इस तरीके से हम बड़े आराम से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, तो जितनी भी फिजिक्स की क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सभी के लिए हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये डायमेंशन एक तरीके से बहुत ही अप्लीकेबल रहा, बाद में हम इसका यूज़ देखेंगे अभी कि डायमेंशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो वन बाय वन फिर आप कर सकते हो बुक से भी। ये कुछ आइडिया था, इसे कहता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा को लिखते हैं हम 2π(ν). तो डायमेंशन किसी कांस्टेंट का नहीं होता है, तो 2π का कोई डायमेंशन नहीं होगा, जो न्यू का डायमेंशन होगा वही ओमेगा का डायमेंशन होगा। तो न्यू होता है एक तरीके से / t, तो / t मीन्स -1, तो T-1, सो ओमेगा का भी डायमेंशन हो जाएगा T-1। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा फोर टाइप्स के बारे में, जो क्वांटिटीज़ के फोर टाइप्स होते हैं। बाकी चीज़ें आप बुक से कर लीजिएगा। और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन राशियों का डायमेंशन सेम है, तो हम सबका डायमेंशन निकालेंगे, फिर उस आधार पर बता सकते हैं कि किस राशि का डायमेंशन सेम है। और ये डायमेंशन जो है वो किसी भी लेवल पे पूछता है, ये कोई नहीं है कि हम इंटर से लेके इंटर में इम्पॉर्टेंट है, या BSc लेवल पे, या MSc लेवल पे, या इवन नेट गेट TGT PhD, हर लेवल पे डायमेंशन इम्पॉर्टेंट है। बस होता क्या है कि छोटे लेवल पे छोटी चीज़ों का डायमेंशन पूछा जाता है, जैसे फोर्स पूछ दिया गया, प्रेशर पूछ दिया गया, तो ये सारी चीज़ें छोटे लेवल पे पूछी जाती हैं। लेकिन यही चीज़ जब आगे बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, इन सब के फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं, वो हायर लेवल में आ जाते हैं। या कभी कभी L/R पूछ लिया जाता है, इसका डायमेंशन क्या होगा, CR का डायमेंशन क्या होगा, ऐसी चीज़ें बहुत तेज पूछी जाती हैं। CR की बीमा बताइए, या L/R की बीमा क्या होगी। तो अगर L और R दोनों का बीमा हमें पता है तो हम निकाल लेंगे, C और R पता है तो निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम में।
तो फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो डायमेंशन रखती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये इस तरह के कांस्टेंट्स होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है किसी भी मीडियम में। फ्री स्पेस में इसकी वेलोसिटी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी कांस्टेंट है और इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1। फिर उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स का भी डायमेंशन होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ बराबर होता है जी mm/r², न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फार्मूला। फिर हमें जी निकालना होगा तो हम m × m कर लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हमें कुछ टर्म्स के जो बेसिक्स हैं उनके डायमेंशन पता हो, और यहाँ पे क्या है, मास है। तो फाइनली इसका डायमेंशन हो जाएगा m²-1, L³ और T²-2। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, m-1, L³ और T²-2। उसी तरीके से गैसियस कांस्टेंट का भी यूनिट होता है। तो ये कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं उनका डायमेंशन होता है। जनरली हम कहते हैं कि किसी कांस्टेंट्स का डायमेंशन नहीं होता, और ये ड्रॉबैक भी है डायमेंशन एनालिसिस का। लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनका डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। उसी तरीके से दूसरे टाइप की क्वांटिटी होती है डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, जैसे आपका हो गया एरिया वॉल्यूम। ये सब वेरिएबल हैं जिनका डायमेंशन होता है। जैसे एरिया का डायमेंशन होता है L2, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। उसी तरीके से कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट में आ जाएंगे इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका जैसे पाई होते हैं और ई होता है, या कोई भी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके के नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसी राशियों को डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और एक तरीके का होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। सो डायमेंशनलेस वेरिएबल में आपका आ गया एंगल हो जाएगा, उसके साथ साथ स्ट्रेन। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एक रेशियो होता है लेंथ अपॉन लेंथ। तो लेंथ, इंक्रीजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या इंक्रीजिंग एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, उसी तरीके से वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये रेशियो है एक तरीके से लेंथ और लेंथ का, तो इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये कुछ दो तरीके के जो वेरिएबल्स थे ये डायमेंशन वाले होते हैं, बाकी जो दो थे वो डायमेंशनलेस थे। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनका डायमेंशन होता है और वो कांस्टेंट होती हैं, फिर भी कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका डायमेंशन होता है
कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं और कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज क्या है। इतना हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसका कहीं यूज भी है। तो इसका यूज है, सबसे पहला यूज ये है कि इसको हम यूनिट के हिसाब से भी, यूनिट जैसे जैसे हम यूनिट जानते हैं उसी तरीके से हम डायमेंशन को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और पहला जो है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। हम कुछ सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, एक सिस्टम होता है MKS सिस्टम, फिर CGS सिस्टम, देन FPS सिस्टम। सो ज़्यादा हम टॉक करते हैं इसी के बारे में, ये हमारे यहाँ उतना नहीं चलता। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम, ये है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मीटर किलोग्राम और सेकंड, और ये होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और ये है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, और ये है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे MKS या CGS, इन्हीं दोनों के बारे में विशेष रूप से। तो इसकी मदद से, डायमेंशन की मदद से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, यानी MKS को CGS में चेंज कर सकते हैं या फिर CGS को MKS में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें चेंज करना है कि 1 न्यूटन जो फोर्स है, अगर फोर्स कहीं पे है 1 न्यूटन, तो ये MKS का यूनिट है न्यूटन, इसको हमको चेंज करना है CGS में। CGS का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन, फोर्स के लिए। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे डायमेंशनली तो हम किस तरीके से करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसके जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरह से होता है, N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 टू द पावर A, और L1 अपॉन L2 टू द पावर B, और T1 अपॉन T2 टू द पावर C। तो इसमें हम N1 मान लेते हैं किसी एक सिस्टम को, N1 मान लेंगे किसी, सपोज करिए MKS वाले सिस्टम को, और N2 मान लेंगे CGS वाले सिस्टम को। N1 और N2 एक तरह से दो क्वांटिटी हैं। अब इसको हम डिराइव कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं कि मान लेंगे कि कोई एक राशि है फिजिकल क्वांटिटी क्यू, और हम जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनका मैग्नीट्यूड हर सिस्टम में सेम रहता है, चाहे वो MKS हो या CGS हो। तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्लियर। N1 हमारा सपोज किसी और सिस्टम में, MKS सिस्टम में है, और N2 हमारा CGS सिस्टम के लिए हमने यूज कर रखा है N2। तो N2 एक तरीके से नंबर है और U2 हमारा यूनिट जैसा है। तो N1 यहाँ पे नंबर है। और एक चीज़ और हम बता दें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो हमें नंबर चाहिए और दूसरा उसके पीछे का यूनिट चाहिए। जैसे हम अगर 2 लिख रहे हैं तो इसका फिजिकली कोई मतलब नहीं बनेगा, 2 के आगे हमें एक यूनिट चाहिए। 2 सेकंड अगर लिखते हैं तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, 2 किलोग्राम लिखते हैं तो ये मास को रिप्रेजेंट करेगा, और 2 मीटर लिख देते हैं तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी राशि को डिनोट करने के लिए कि हम एक नंबर लिखें और उसके बगल में उसका यूनिट भी लिखें, वरना ये सिंपल मैथमेटिक्स रह जाएगा, ये फिजिक्स नहीं होगा। तो फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर चाहिए और फिर उसका यूनिट चाहिए। जैसे सिंपल नाम में भी होता है कि कोई एक जाति लगानी हो तभी वो क्लियर होता है। तो N1 एक तरीके से MKS पद्धति का, MKS सिस्टम का कोई नंबर है, और U1 MKS में यूनिट है। तो अगर U1 को हम यूनिट मान रहे हैं तो U1 को हम ऐसे लिख सकते हैं M1 L1 या इसका पावर लगा लें M पावर A। M1 का कुछ डायमेंशन होगा, जैसे हम कोई, जैसे मान लीजिए हम फोर्स लिख रहे हैं तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, MLT-2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन। तो यहाँ पे M का मास का एक डायमेंशन है, यहाँ पे L पे 2 डायमेंशन है, और T पर -2 डायमेंशन है।
तो उसी तरीके से हम यू वन को मान सकते हैं एम वन का पावर ए, एल वन का पावर बी और टी वन का पावर सी, मतलब हमें नहीं पता, तो ए बी सी एक तरीके से उसके एक्सपोनेंट हैं। और यू टू उसी तरीके से हम मान सकते हैं एम टू, एल टू और टी टू, यहाँ पे ए बी सी, ये भी इंडेक्स शो कर रहा है दूसरी राशि के लिए या दूसरे सिस्टम में सी जी एस में। तो सपोज कर रहे हैं कि यू टू एक फिजिकल क्वांटिटी है सी जी एस सिस्टम में और यू वन एक फिजिकल क्वांटिटी है एम के एस सिस्टम में। जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहीं पे हम रखते हैं इसको, तो एन वन और यू वन हो जाएगा सिंपली ये एम वन टू द पावर ए, एल वन टू द पावर बी और टी वन टू द पावर सी, और उधर हो जाएगा एन टू, एम टू टू द पावर ए, एल टू टू द पावर बी और टी टू टू द पावर सी। फिर यहाँ से अगर हम एन टू फाइन करेंगे तो एन वन ये हो जाएगा एम वन टू द पावर ए, एल वन टू द पावर बी और टी वन टू द पावर सी, और ये चीज़ अपॉन में आएगी एम टू पावर ए, एल टू पावर बी और टी टू पावर सी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अभी ये दोनों मास ही हैं तो सबका इंडेक्स सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वन अपॉन एम टू का पावर ए, एल वन अपॉन एल टू का पावर बी और टी वन अपॉन टी टू का पावर सी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यही हमारा फार्मूला था जो यहाँ पे था। अब एग्जांपल लेके हम इसको देख लेते हैं कि एक न्यूटन को हम डाइन में कैसे चेंज करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू इस तरीके से, और इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो हम ले लेते हैं कि फोर्स है हमारा वन न्यूटन और इसे हमें कन्वर्ट करना है सी जी एस में। तो वन न्यूटन को हम ले सकते हैं वन किलोग्राम मीटर और सेकेंड माइनस टू, तो इसका हम डायमेंशन यहाँ लिख ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एन टू हो गया, यहाँ पे एन वन का मान वन हो गया, ये एक तरह से यूनिट है और ये हमारा नंबर है एन वन यू वन। तो ये जो पूरी यूनिट है वो यू वन जैसा और जो नंबर है वो एन वन है, तो एन टू इक्वल टू एन वन। और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में हमारा एम वन, एम वन यानी ऊपर हमारा हो गया वन के जी, या सिंपल हम के जी लिख लें, नीचे हमारा आएगा ग्राम, क्योंकि नीचे हम इसको हम सी जी एस में लिए हैं, जो हमारा एम टू एल टू टी टू है ये सी जी एस में है, तो नीचे आएगा ग्राम। इसके पावर में क्या होगा, जो इसका डायमेंशन होगा पावर में जाएगा वन, एम का यहाँ डायमेंशन कितना है वन, एल का भी डायमेंशन कितना है वन। तो उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं लेंथ को, तो लेंथ हो जाएगा मीटर और नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेकेंड नीचे भी सेकेंड ही होगा तो वन। किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ है सेंटीमीटर और यहाँ पे सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 10^5 ग्राम सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर था बाहर, तो ये सिंपली स्क्वायर हो जाएगा। तो ग्राम सेंटीमीटर माइनस टू है, ये यहाँ पे माइनस टू है इसलिए इसका पावर माइनस टू होगा, यहाँ भी माइनस टू और यहाँ भी माइनस टू, 10^5, और इसको हम बोलते हैं डाइन। सो एन टू इक्वल आ गया हमारा 10^5 डाइन।
यहाँ सिंपल हम नंबर में लिखे तो 10^5 और ये यूनिट तो एक तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो N2 हमें मिला 10^5 और N2 चूँकि CGS सिस्टम का था और CGS सिस्टम में हम फोर्स को बोलते हैं डाइन में, फोर्स का डायमेंशन CGS में डाइन होता है। उसी तरीके से प्रेशर का बार होता है। इनर्जी की बात करें तो जूल का, जैसे जूल होता है, जूल हमारा यूनिट है वर्क का या इनर्जी का MKS सिस्टम में। उसी तरीके से हमारा अर्ग होता है CGS सिस्टम में। अब इसे भी कर सकते हो, 1 जूल इक्वल होता है 10^7 अर्ग। तो इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायमेंशन का एक बहुत अच्छा ये एप्लीकेशन है कि हम किसी भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और इसका एप्लीकेशन है कि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम दूसरा एप्लीकेशन इसका चेक करते हैं, करेक्टनेस। दूसरा एप्लीकेशन है इसका कि हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला सही है या गलत है, इस चीज़ की हम परीक्षण यहाँ पर कर सकते हैं। तो दूसरा है सत्यता का परीक्षण, किसी भी फॉर्मूले की सत्यता का परीक्षण, किसी भी फॉर्मूले को हम बता सकते हैं कि वो सही है या गलत है डायमेंशन वाइज। तो कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड टी इक्वल होता है 2π√L/g। ये तो इसमें हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन देखते हैं। अगर दोनों तरफ का डायमेंशन सेम हो तो हम कहते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है, तो वो सत्य है या असत्य है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का डायमेंशन लेंगे और राइट साइड का डायमेंशन लेंगे, दोनों चेक करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ LHS, तो LHS की तरफ टाइम है तो सिंपली इसका डायमेंशन हो जाएगा टी। उसी तरीके से हम राइट साइड का डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ RHS। तो जब हम राइट साइड का डायमेंशन लेंगे तो यहाँ पे एक क्वांटिटी दिख रही है 2π, तो 2π का डायमेंशन नहीं होता है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। कॉन्स्टेंट राशियों का डायमेंशन नहीं होता है, हमने अभी डिस्कस किया है कि यह डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है, पाई और ई वगैरह ये सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, या नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये हमारे लिमिटेशंस में आते हैं डायमेंशन के, ये चीज़ें भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इधर का, तो लेंथ का डायमेंशन होगा एल और इसके ऊपर पावर हो जाएगा हाफ, ये रूट लगा है यहाँ पे। और जी है हमारा एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन होता है LT-2 और इसका भी पावर हाफ है। तो एक तरीके से हम L को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये LL कैंसिल हो जाएगा और T-2 को ऊपर ले जाएंगे तो T^2 हो जाएगा और बाहर है हाफ, तो ये क्या हो गया T। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डायमेंशन LHS का था ये भी T था और RHS का भी डायमेंशन T है। इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं किसी भी फार्मूले को कि वो सही है या गलत है। इसी तरीके से कोई भी फार्मूला कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए F=6π eta rV, ये फोर्स का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमें फिर ज़रूरी ये है कि डायमेंशन सबका पता हो, ईटा का डायमेंशन, आर का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन। तो यहाँ पे जो ईटा है ये कोफिशियंट है विस्कोसिटी कोफिशियंट, या कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, वही कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और इसका डायमेंशन होता है ML-1 और T-1। तो इसका डायमेंशन याद होना चाहिए तभी कर पाएंगे। इधर सारा इधर वेलोसिटी है और इसका डायमेंशन होता है L और इसका डायमेंशन LT-1। फोर्स का डायमेंशन पता ही है ML
t-2। तो ये हम छोड़ते हैं, आप लोग करके देखिए कि ये चेक होता है कि नहीं होता है। तो ये फार्मूला भी करेक्ट है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि LHS का डायमेंशन जितना है उतना ही राइट हैंड साइड का डायमेंशन आएगा। तो ये भी काफ़ी आसान है, उसी तरीके से हो जाएगा। इसका एक तीसरा भी यूज़ है जो यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं। एक तीसरा यूज इसका है, हम फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं, किसी भी फार्मूले को हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो जो थर्ड एप्लीकेशन है वो ये है, डेरिवेशन ऑफ, ये थर्ड है। पहला था कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, दूसरा था कि हम किसी फार्मूले के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, और तीसरा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो किसी भी फार्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन मेथड से। उसका तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमें इसी फार्मूले को प्रूव करना है, 2π√L/g, इसी को हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें ये गिवन होगा कम से कम कि जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है L पे और डिपेंड कर रहा है G पर, इतनी चीज़ें हमें पता होंगी। यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं डायमेंशन को यूज़ करके। किस तरीके से, हम ये मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के पावर A पर डिपेंड कर रहा है और G के पावर B पर डिपेंड कर रहा है, यानी जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के एक्सपोनेंट पावर या एक्सपोनेंट A पर और G के B पर डिपेंड कर रहा है। तो अगला काम ये होगा कि हम दोनों साइड का डायमेंशन लेते हैं, या सबसे पहले हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा लें। तो यहाँ पे K लिख लेंगे, A हो जाएगा और G पावर B। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का डायमेंशन लेते हैं। तो T का डायमेंशन T हो जाएगा और ये K है कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेंथ का डायमेंशन L हो जाएगा और G का डायमेंशन होता है LT-2, ऐसा। तो ये हो जाएगा L पावर A और ये हो जाएगा L पावर B और T पावर -2B, और ये हो गया सिंपली T। इसको लिख सकते हैं L का पावर A+B, और ये हो जाएगा T का पावर -B, और यहाँ है T, और इसर L नहीं है तो L का पावर हम 0 लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी किसी का डायमेंशन बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो हम वहाँ पे L=0 ले सकते हैं, M=0 ले सकते हैं, इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक तरह से हम पावर को कंपेयर कर लेते हैं। तो A+B हो जाएगा 0, L का पावर 0 है और यहाँ L का पावर A+B है, सो A+B=0, और यहाँ से T का पावर -2B है, और इधर क्या है, T का पावर 1 है, तो हमें B का मान मिल गया -½, ये 2 नीचे जाएगा तो B हो जाएगा -½, और जब B -½ है तो यहाँ से हम A निकाल लेंगे, A हो जाएगा ½, तो हमें मिल गया A की वैल्यू ½ और B की वैल्यू -½, ठीक है। तो फिर से हम यहीं पे आ जाएंगे 1 पे, देख लीजिए यहाँ कुछ खास नहीं हुआ है, L का पावर A है ये डायमेंशन, ये भी डायमेंशन, फिर हम दोनों को कंबाइन करते हैं एक साथ, उसके बाद दोनों का पावर यूज कर लेंगे, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो फाइनली हमें मिल गया A का पावर ½ और B का पावर ½। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे कि L का पावर ½ और G का पावर -½ हो गया T, इसको हम लिख सकते हैं K, चूँकि ये पावर ½ है तो हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, और ये -½ है तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये हो गया T। सो T=, अब ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट टर्म एक्सपेरिमेंटली आ जाता है, तो उसको हम 2π ले लेंगे, नहीं तो फिर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है, अगर पता है तो कांस्टेंट की वैल्यू हम रख लेंगे। तो ये है T=2π√L/g। तो हमने कुछ भी नहीं यूज किया, पूरी तरीके से डायमेंशनली हम गए थे और ये फार्मूला हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम एक, ये भी एप्लीकेशन है इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं, सिर्फ हमें ये पता हो कि वो फार्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपके लिए एक होमवर्क हम छोड़ रहे हैं,
फोर्स से डिपेंड कर रहा है, रेडियस या एक तरीके से, ठीक है, और वेलोसिटी पे और ईटा पे, तीन राशि हैं जिस पे फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, ये आप करके बताओगे इसको। एफ प्रोपोर्शनल टू आर वी और ईटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डिराइव्ड फॉर्मूला क्या होगा? डिराइव्ड फॉर्मूला बताना है कि अगर फोर्स कहीं पे डिपेंड करे, ये आर एक तरीके से रेडियस है या डिस्टेंस है, और वी वेलोसिटी है, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये था इसका तीसरा एप्लीकेशन। सो पहला एप्लीकेशन था कि हम किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन था कि हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं दोनों साइड का डायमेंशन लेके। और तीसरा एप्लीकेशन है कि हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट इसके एप्लीकेशंस थे। तो इस हिसाब से डायमेंशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसके लिमिटेशन के बारे में। तो इतने एप्लीकेशंस के बावजूद इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन में सबसे बड़ा लिमिटेशंस ये है कि ये किसी भी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी के बारे में कोई एनालिसिस नहीं करता है। वो चाहे 2π हो, 6π हो, 3 हो, 2 हो, कोई भी कॉन्स्टेंट हो, उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। ई वगैरह या नेचुरल नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एक तरीके से ये केवल यूनिट पर बेस्ड होता है। जिस राशि का यूनिट होता है उनके बारे में ये बताता है। कुछ ऐसे भी कॉन्स्टेंट होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं, उनके बारे में डायमेंशन कोई जिक्र नहीं करता या कोई एनालिसिस उसके अबाउट नहीं है। कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जिसका डायमेंशन नहीं है, जैसे स्ट्रेन और एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके लिमिटेशंस में आती हैं। तो ये पूरा वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लगभग हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो बाकी जो कुछ क्वांटिटीज़ रह गई होंगी उसे आप बुक से करो, और क्वेश्चंस वगैरह भी। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।